अस्सलाम वालेकुम क्लास है, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट लेसन। वी हैव डन अवर फिफ्थ लेसन द वर्ल्ड इन अ बॉल इन प्रीवियस क्लास, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर यूनिट 6, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज अवर न्यू चैप्टर, अवर न्यू यूनिट। लेट्स स्टार्ट। Here it's unit 6, discrimination. Discrimination means फ़र्क करना, तफरीक करना। तफरीक या फ़र्क जो है रंग के हिसाब से भी हो सकता है, गोरा काला छोटा बड़ा भी हो सकता है, स्टेटस के हिसाब से भी फ़र्क किया जा सकता है। किसी की कोई चीज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होशियार है या एक्टिव है, और अगर थोड़ा सा कोई लेज़ी है तो उसमें भी फ़र्क किया जा सकता है। तो डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमें किसी भी लिहाज से, चाहे स्टेटस के लिहाज से, रंग के लिहाज से, नस्ल के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से, या और किसी भी लिहाज से, खूबी खामी के लिहाज से फ़र्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तमाम इंसान बराबर हैं। तो मेन मकसद भी डिस्क्रिमिनेशन वो फ़र्क करना है, तफरीक करना है। इस यूनिट का यही होगा। सबसे पहले फर्स्ट हम रीड करते हैं इसको, पूरे यूनिट को, यानी ये पोएम है हमारी एक। उसके बाद जो है हम एंड में इसका मॉरल ऑफ द यूनिट जो है इंशाल्लाह समझेंगे। देखें, डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको बता दी मींस फ़र्क करना। आई वंस सॉ एन एलिफेंट विद बिग येलो आइज। एक दफ़ा मैंने एक हाथी देखा, बड़ी पीली आंखों वाला, विद द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई अप इन द स्काई। तितली जैसे परों वाला आसमान में उड़ता हुआ। अब हाथी आसमान में नहीं उड़ता, यानी उसके पर जो थे बटरफ्लाई जैसे उड़ते थे हवा में। ही सॉ मी एंड ट्रम्पेट, उसने मुझे देखा और आवाज़ निकाली। ट्रम्पेट कहते हैं हाथी जो आवाज़ निकालता है, वो साउंड जो है वो हमारा ट्रम्प कहलाता है, ट्रम्पेट कहलाता है। तो ये व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, उसने मुझे देखा और आवाज़ निकाली, क्या अजीब चीज़ है। ओनली टू लेग्स एंड नॉट इवन वन विंग, सिर्फ दो टांगों वाला, एक पर भी नहीं। अब ये जो है एलिफेंट इंसान को कह रहा है देख के, यानी सोच रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वॉज अ फिश विथ अ बेबून्स बिहाइंड। अगली एक मछली थी, आगे एक मछली थी। मछली कहते हैं मछली थी जिसका बिहाइंड जो था पीछे का हिस्सा जो था थोड़ा बदसूरत सा था। यू नो दोस चिकी बिग पिंग वंस यू फाइंड, यू नो आप जानते हैं दोस चिकी मीन्स शौक है, यानी शौक चंचल। क्या आपने देखे वो बिग पिंक यानी कि गुलाबी रंग के शौक, उसका बिहाइंड यानी पीछे का हिस्सा। वंस यू फाइंड, क्या अभी आपने कभी देखा। द फिश सॉ मी टू, मछली ने मुझे भी देखा। एंड ही सेड वेरी मेलो, और बहुत नाजुक अंदाज में कहा, ही इज नॉट गॉट अ पिंक बॉटम लाइक मी द पुअर फेलो, इसके पास मेरे जैसा गुलाबी बॉटम नहीं, यानी पीछे वाला हिस्सा गुलाबी नहीं। द पुअर फेलो, बेचारा, यानी मछली का दुम का जो हिस्सा होता है वो उसमें है, जो मछली फिश देखी थी उसने, उसका पिंक कलर का था। तो मछली अब उसको इंसान को देख के कह रही है कि बेचारा इसके पास तो मेरे जैसा पिंक हिस्सा नहीं। अ लिटिल लेटर ऑन आई केम अक्रॉस अ वाइट फॉर्म, थोड़ी देर बाद में एक सफ़ेद कीड़े के पास से गुजरा या आया, इन अ स्लीक ऑरेंज वन पीस, चमकदार नारंगी कलर का एक टुकड़ा, विथ हर हेयर इन अ पर्म, जिसके बाल घुंघरियाले से थे। व्हेन शी फर्स्ट सॉ मी, जब पहली बार उसने मुझे देखा, शी जस्ट गेव अ लाफ, उसने सिर्फ एक हंसी दी। शी थॉट आई वॉज द फ्रंट एंड ऑफ अ जिराफ, उसने सोचा शायद मैं सामने वाला हिस्सा हूँ जिराफ का। जिराफ तो आप समझते ही हैं। आफ्टर टी टाइम के बाद, यानी कि चाय के वक्त के बाद, आई स्पाइड अ फ्रॉग ऑन अ बाइक साइकिलिंग इन अ पॉन्ड, मैंने एक मेंढक को बाइक पर दौड़ते हुए देखा, यानी
एक तालाब में विथ फोर न्यूट्स, न्यूट्स आबी मछलियों को कहते हैं, यानी वो मछलियाँ कह रहा हूँ, छिपकली को कहते हैं, वो छिपकलियाँ जो पानी में होती हैं। तो मैंने एक मेंढक को बाइक पर साइकिलिंग करते हुए देखा तालाब में चार मछलियों के साथ, दैट ही लाइक्ड, जो उसे पसंद था। दैट फ्रॉग डिडंट नोटिस मी अंटिल आई केम नियर, मेंढक ने बिल्कुल भी खबर नहीं ली या बिल्कुल भी मुतवज्जा नहीं हुआ मेरी तरफ जब तक कि मैं उसके करीब नहीं गया। ही जस्ट नॉडेड एंड थॉट दैट आई लुक रादर क्वीर, उसने थोड़ी सी बस हल्की सी अपने आप को जुम्बिश दी, यानी अपने उसके अपने अंदर थोड़ी सी हरकत पैदा की और सोचा, यानी गर्दन उठा के थोड़ा सा देखा और सोचा शायद मैं कोई अजीब चीज़ हूँ। आगे पढ़ते हैं। एट होम आई फाउंड एन इन्विटेशन ऑन माई मैट, घर पर मुझे एक दावतनामा मिला अपने दोस्तों की तरफ से, कम टू आवर पार्टी, हमारी तकरीब में आओ, बट यू मस्ट वेयर अ केट, लेकिन लाजमी तौर पर आपको केट पहननी होगी एक। इट्स डाउन बाय द ग्रीन, ये घास पर होगी, नेक्स्ट टू ब्लूबेरी सी के आगे। इट विल बी मच मोर फन देन वॉचिंग टीवी, वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा होगा टीवी देखने से कहीं ज़्यादा। आगे पढ़ते हैं। ऑफ आई वेंट टू गेट चेंज, मैंने तब्दील करने के लिए निकला, मैंने तब्दील किए, यानी मैं अपने कपड़े चेंज करने के लिए गया। एंड टू पुट ऑन माई हैट, और मैंने अपना हैट पहना। दे वुड सेट वेयर अ केट, क्योंकि उन्होंने कहा था कि केट पहननी है। आई वॉज श्योर दे मीन्ड हैट, मुझे यकीन था कि उसका मतलब हैट ही था, यानी हैट सर पे पहनने वाली। टू द ब्लूबेरी सी आई मेड माई वे, ब्लूबेरी सी की तरफ मैं चल पड़ा। अ पार्टी, व्हाट अ नाइस वे टू एंड द डे, एक तकरीब यानी एक पार्टी, बहुत ही ज़बरदस्त इख्तिताम था दिन का। When I got the green, what should I see? जब मैं ग्रीन में पहुँचा, यानी जहाँ पे तकरीब हो रही थी, what should I see? मुझे क्या देखना चाहिए था? वैसे है what should I see? मैंने क्या देखना चाहिए, मैंने क्या देखा, ये भी पढ़ सकते हैं। They were all wearing kits, वो सब kits पहने हुए थे, all except me, सिवाय मेरे। The elephant, the fish, हाथी, मछली, द वॉर्म एंड द फॉग, कीड़ा और मेंढक, ऑल लाफिंग एट मी विद देयर फ्रेंड द वार्ड हॉग, तमाम मुझ पर हंस रहे थे अपने दोस्तों के साथ बदनीयतों की तरह। बट दे वेलकम मी देन, लेकिन फिर उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से खुश आमदीद कहा। एंड आई हैड लॉट्स ऑफ फन प्लेइंग गेम्स, और फिर मैंने बहुत मज़ा किया, गेम खेले विद द एनिमल्स, जानवरों के साथ। एज डाउन वैन द सन, जब तक सूरज गुरूब हुआ। यू सी इट रियली डजेंट मैटर, तुमने देखा ये कोई मायने नहीं रखता। हाउ वी अपियर, हम कैसे दिखते हैं। सेड अ थ्री हेडेड बम्बल बी विथ ओनली वन एयर, तीन सरों वाली और एक कान वाली मक्खी ने, यानी बम्बल बी ने कहा। क्या कहा? यू सी इट रियली डजेंट मैटर हाउ वी अपियर, तुमने देखा कि हम, ये मायने नहीं रखता कि हम कैसे दिखते हैं। ये की पॉइंट्स है, मेन बात है, यानी इसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स थे, हाथी भी था, मछली भी थी, कीड़ा भी था, मेंढक भी था, इंसान भी था, लेकिन सब ने मिल के इंजॉय किया, इसलिए बम्बल बी ने ऐसे वर्ड्स कहे। तो ये हमारा यूनिट जो है डन हो गया है। एग्जाम्पल थी वो, सॉरी पॉम थी जस्ट, अब इसको आपने थोड़ा सा, मैंने आपको मीनिंग के साथ पढ़ा दिया है, थोड़ा इंग्लिश थोड़ी अच्छी करके पढ़िएगा। जैसे है, बट द वेलकम मी देन एंड आई हैड लॉट्स ऑफ फन प्लेइंग गेम्स विद द एनिमल्स एज डाउन वैन द सन, क्योंकि फन सन राइमिंग वर्ड्स हैं हमेशा जो पॉम में होते हैं। You see, it really doesn't matter how we appear, said a three-headed bumblebee with only one ear. एक बार और शुरू से भी रीड आपको कराता हूँ। I once saw an elephant with big yellow eyes, with the wings of a butterfly up in the sky. He saw me and trumpeted,
What a strange thing. Only two legs and not even wing. देख रहे हैं, समझ रहे हैं आपको, इसी तरह से आपने रीडिंग करनी है. नेक्स्ट वॉज अ फिश विद अ बेबून्स बिहाइंड. यू नो दोस चिकी बिग पिंग वंस यू फाइंड. द फिश सॉ मी टू एंड ही सेड वेरी मेलो. ही इज नॉट गॉट अ पिंक बॉटम लाइक मी द पुअर फेलो. अ लिटिल लेटर ऑन आई केम अक्रॉस अ वाइट वॉर्म इन अ स्लीक ऑरेंज. In a sleek orange one piece with her hair in a pump. When she first saw me, she just gave a laugh. She thought I was the front end of a giraffe. Okay, इस तरह से आपने रीडिंग करनी है. रीडिंग हम कर ली है. अब थोड़ा सा इसका मोरल ऑफ द यूनिट समझते हैं. देखिए, लर्निंग आउटकम है. द पॉट थ्रू दिस पॉम हैज गिवन अ व्यू दैट इट डजेंट मैटर हाउ वी अपियर. But what really matter is how our work pleases others, in which we contribute the society through our works. देखिए, इसमें वही बात बताई गई है कि ये मैटर नहीं करता कि हम किस तरह से दिखते हैं या हम कैसे हैं. ये मैटर करता है कि हमारा जो काम है, हम किस तरह से दूसरों के साथ पेश आते हैं, हम किस तरह से दूसरों को खुश करते हैं, और किस तरह से हम अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में अपने काम से कंट्रीब्यूट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम वो कौन से काम कर रहे हैं जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुँच रहा है, या हमारे शहर को फ़ायदा पहुँच रहा है, या मेरी फैमिली को फ़ायदा पहुँच रहा है, या मेरी सोसाइटी को फ़ायदा पहुँच रहा है. ये मायने नहीं रखता कि मैं दिखता कैसे हूँ. In short, this poem gives the message of universal brotherhood without any discrimination. वगैरह ये जो poem है, यानी ये नज़म जो है, वो पैगाम देती है universal brotherhood का, भाईचारे का, आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहने का बगैर किसी तफरीक के. तो यही हमारा moral of the unit है, moral of the डे है, कि हमें बग़ैर किसी तफरीक के, रंग, नस्ल, ज़ात पात या स्टेटस या और कोई चीज़, खूबी खामी को देखे बग़ैर, या जीनियस या फूल को देखे बग़ैर, हमने सब के साथ मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से दूसरे लोगों को तकलीफ़ ना हो, बल्कि हम दूसरे लोगों की खुशी का ज़रिया बने. तो ये हमारी आज का मोरल ऑफ़ द लेसन था, मोरल ऑफ़ द यूनिट था, मोरल ऑफ़ द पॉम था. यकीनन आपको समझ आ गया होगा. अब थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क देता हूँ, फिर हम इसको एंड करते हैं अपनी क्लास को. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एलिफेंट बीमार. वेरी इजी, एक तो ये आपका होमवर्क है. सेकेंड है, व्हाट वॉज द फ्रॉग डूइंग इन द पॉन्ड. सेकेंड क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है. नंबर थर्ड है, व्हाट इंस्ट्रक्शन वॉज गिवन इन द इन्विटेशन. कौन सी हिदायत दी गई थी दावतनामे में. मेंढक पॉन्ड में क्या कर रहा था. एलिफेंट ने, हाथी ने क्या रिमार्क दिए. एंड नंबर फोर है, व्हाट डिड द बम्बल बी से एट द पार्टी. और पार्टी में बम्बल बी ने क्या कहा. चारों वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. रफ कॉपी पे अच्छे तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर लिख के सफाई के साथ मुझे चेक कराइएगा. आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है. नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह करेंगे. रीडिंग को अच्छी तरह से करिएगा. रीडिंग मस्टली आपके लिए ज़रूरी है, लाजमी तौर पे रीडिंग 3 या 4 बार एक यूनिट की जो मैं कराता हूँ वो लाजमी किया करें. ओके, अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है हम इसके आगे एक्सरसाइज करेंगे. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.